अब एक चीज मुझे बताओ आप, वो क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? इज इट कंप्लीटेड? नॉट सर, नो सर, नहीं है ये। यस, ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस सर्किट को हम कंप्लीट कैसे करेंगे देखते जाओ आप लोग। इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये एक सोल्ट ब्रिज हम लोग यहाँ रखेंगे, और सोल्ट ब्रिज है क्या, बेसिकली इन्वर्टेड यू ट्यूब है। ये देखो मैं सोल्ट ब्रिज प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ये देखो इन्वर्टेड है ना, जैसे उल्टा यू होता है ना वैसे मैंने इसको प्लेस किया है, ठीक है। इसके दोनों जो एंड्स हैं वहां पर हमने कॉटन प्लग लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कि हमने क्या लगाया है, कॉटन प्लग, ताकि इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे ना उसकी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो, मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं हो। और इसमें ये जो आपकी इन्वर्टेड यू ट्यूब है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इसका नाम आपका सोल्ट ब्रिज है। ब्रिज तो आप लोग समझ ही गए ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है। सोल्ट क्यों भाई, क्योंकि हम इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन का एक सोल्ट का एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पर फिल किया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई सोल्ट का सोल्यूशन है इसमें, और ब्रिज ये खुद है, तो हो गया सोल्ट ब्रिज। ओके, तो हमारा जो हेडिंग है वो आप लोग लिख लो, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सोल्ट, तो ए सोल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है इसमें, ठीक है ना, लाइक KCl, लाइक KCl, लाइक KNO3, लाइक K2SO4 एंड NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इस बेसिकली आपकी जो सोल्ट ब्रिज है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है, ये देखो ये इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट को ये ज्वाइन करती है, ये हमने एक सोल्ट ब्रिज बना दी है, ठीक है। तो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमने क्या लिखे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो आप जानते हो किसी का भी एक्वस सॉल्यूशन यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो यहाँ पर सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये आपकी सेल रिएक्शन है ना, इसमें ये जो सेल है इसमें एक पर्टिकुलर सेल रिएक्शन होती है, कल हमने देखा है नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो उस नेट सेल रिएक्शन को जो डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो वाले जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो उनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, जिनको हम लोग सोल्ट ब्रिज में फिल करते हैं। ओके, अब ये सोल्ट ब्रिज का काम देख लो भाई, ये इधर वाला कंपार्टमेंट है लेफ्ट का और ये है राइट का कंपार्टमेंट हमारा कैथोड, ठीक है। इसमें आपका सॉल्यूशन फिल है Cu2+ और SO4 2-, ठीक है। इसमें आपका सॉल्यूशन है Zn2+ और आपका SO4 2-, ठीक है। ये हमारी वो मेटल की रोड है, ओके, ये हमारी मेटल की रोड है, इसको हम यहाँ बना देते हैं, ये लो ये जिंक रोड है और आपकी ये कॉपर रोड है, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अब एक चीज मुझे आप बता दो यहाँ पर, ये जो क्या बोलते हैं, जैसे ही सेल स्टार्ट होता है तो एनोड पे क्या होता है बताओ जरा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे सर, एनोड पे नहीं, एनोड का फिक्स, सुन लो, ठीक है, एनोड और कैथोड की नेचर का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता है, इस चीज को आज ही याद कर लो। इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है उससे रिलेशन होता है। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये फिक्स है, ठीक है। एनोड पे कभी भी रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है आप उसे हमेशा कैथोड कहेंगे, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हमेशा आप एनोड कहेंगे, दिस इज फिक्स्ड डेफिनेशन। आप चार्ज के साथ इसे कोरिलेट नहीं करेंगे,
चार्ज चेंज होता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज आता है या एनोड पे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए चार्ज से आप कभी कोरिलेट नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रोड की नेचर को या इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है उससे कोरिलेट करेंगे हमेशा, ठीक है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, आप इसको ध्यान रखें। कभी भी आप ये नहीं कहें कि एनोड कि ये इलेक्ट्रोड इस पे पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है इसलिए एनोड है। नो, चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर अब एक चीज बहुत सिंपल सी है, आप इस सोल्ट ब्रिज के जो फंक्शन है वो हम समझने वाले हैं। ये सोल्ट ब्रिज है, हमने मान लेते हैं इसमें K2SO4 फिल कर दिया है, ठीक है, K2SO4 हमने फिल कर दिया है, ये हमारी सोल्ट ब्रिज है, ओके। अब आप इस सोल्ट ब्रिज के फंक्शन लिखते जाएंगे 1/1, इसके फंक्शन क्या है तो फटाफट देख लेते हैं, फटाफट आप डिक्टेट करते चले जाइए इस सोल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन लिखिए टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है भाई सोल्ट ब्रिज आपका, क्या करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। नंबर वन आपने लिख लिया, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाँ, बाई टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाई अलाउिंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अदर by allowing the ions to flow from one solution to other, ये जो दोनों solutions हैं इनमें से ions flow होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो electrical circuit है वो complete होता है, बात समझ में आई। ये दोनों metallic rod तो wire से connect होती ही है, ठीक है ना, लेकिन ये एक्सटर्नल सर्किट है आपका, इंटरनल सर्किट क्या है जो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, कौन, सोल्ट ब्रिज, ठीक है। सोल्ट ब्रिज की जगह वायर भी रख सकते हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो सेल ज्यादा देर चलेगा नहीं क्योंकि वो सोल्ट ब्रिज का काम नहीं कर सकता, ठीक है। सोल्ट ब्रिज के जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक है, ओके। अब अगला देख लो भाई, अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 2, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये लो भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है कौन, सोल्ट ब्रिज, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ द हाफ सेल्स, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ द हाफ सेल्स, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ द हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ द हाफ सेल्स, ठीक है, दोनों हाफ सेल्स में। हाफ सेल जानते हो ना, कैथोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल, ओके, यस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ये इनर जो आपका इनर सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है ये, ठीक है, सोल्ट ब्रिज, ओके, है ना। और क्योंकि इसके थ्रू आयंस फ्लो होते हैं, तो जो आउटर सर्किट है आपका उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं आउटर सर्किट, जो वायर से हमने मेटलिक रोड को कनेक्ट किया हुआ है। जो इनर सर्किट है इंटरनल, उसमें आयंस फ्लो होते हैं, सोल्ट ब्रिज में आयंस फ्लो होते हैं, इन आयंस फ्लो होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये पहला काम है कि सोल्ट ब्रिज सर्किट कैसे कंप्लीट करता है, क्योंकि सोल्ट ब्रिज में क्या फ्लो होते हैं, आयंस, ओके, बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन चैम्बर टू वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, ठीक है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पर हाफ सेल का क्या होता है, हाफ सेल का मतलब ये होता है कि अभी आपको दोनों चैम्बर्स दिख रहे हैं ना, दोनों चैम्बर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिलाएंगे तब एक सेल बनता है, इन दोनों को मिलाने से एक सेल बनता है। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल चैम्बर को हम हाफ सेल कहेंगे, यानी कि एक सेल बनाने के लिए हमें एनोड और कैथोड को कनेक्ट करना होगा, तो इंडिविजुअल जो एनोडिक चैम्बर है और जो कैथोडिक चैम्बर है उसको हम लोग हाफ सेल बोलते हैं, दैट इज हाफ सेल। व्हेन एनोडिक हाफ सेल कंबाइंस विद द कैथोडिक हाफ सेल देन इट कंप्लीट्स द सेल, ओके, देन इट फॉर्म्स द सेल, बात समझ में आई,
या नहीं आई? यस, तो ये हाफ सेल्स में जो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप जो इसका फंक्शन नंबर 3 है वो लिख लीजिए, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन नंबर 3। ठीक है, इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। लिख लो फटाफट, इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में सॉल्यूशन का डिफ्यूजन है ना, ये रोकता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। ये कैसे करता है इसकी भी बात करेंगे, पहले आप लोग 4 नंबर लिख लो फटाफट। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट प्रिवेंट्स है ना, यानी कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, तो सॉल्ट ब्रिज इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखो क्या है, यदि आप सोल्ट, बता रहा हूं मैं, सोल्ट ब्रिज यदि नहीं होगी तो आपको क्या करना होगा, दोनों जो सोल्यूशंस है ना उनको कॉन्टेक्ट में लाना होगा। इधर आपका CuSO4 का सोल्यूशन होगा, ये पोरस वॉल है, पोरस सेपरेशन है। ठीक है, इधर आपका ZnSO4 का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों सोल्यूशंस हैं, इनके इनकी जो जंक्शन है ये जंक्शन है देखो। ठीक है, ये जो लेयर है ये जंक्शन है, यहाँ पर दोनों सोल्यूशन कंबाइन हो रहे हैं। तो इस ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन, क्योंकि दोनों डिफरेंट सोल्यूशन के बीच का जंक्शन है ये। इस पर दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, सेल का जो वोल्टेज होता है ना, सेल जितना पावर रिलीज कर रहा है उसको डिक्रीज कर देता है ये, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट काम करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसलिए लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज कैसे रोकता है, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के थ्रू हमने जो दोनों चैम्बर हैं उनको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ये देखो डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों सॉल्यूशंस का, दोनों जो सॉल्यूशंस हैं CuSO4 और ZnSO4 उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए सोल्ट ब्रिज ही क्या कर रही है, दोनों सॉल्यूशन के बीच में, यदि सोल्ट ब्रिज नहीं रखेंगे तो हमें उनको कनेक्ट करना पड़ेगा पोरस वॉल के थ्रू। ठीक है ना, तो तब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा और सेल पावर है जो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए सोल्ट ब्रिज वो जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसको प्रिवेंट कर रही है, उसको क्रिएट नहीं होने दे रही, बिकॉज इनडायरेक्टली वी कनेक्टेड बोथ द सॉल्यूशंस, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया हमने। बात समझ में आई? तो ये 4 फंक्शन थे, आपने क्या लिखा है उसको देख लो। सबसे पहले में इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, क्यों कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सोल्ट ब्रिज है। किसको अलाउ करती है भाई, बताना जरा, क्या फ्लो होते हैं सोल्ट ब्रिज में से बता दो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वही बात है, सोल्ट ब्रिज नहीं लेंगे तो हमें इस सिचुएशन में हमें रखना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशंस हैं जैसे यहाँ रखे हुए ना ZnSO4 सॉल्यूशन और CuSO4, तो यहाँ पर डायरेक्ट मिक्सिंग हो सकती है, डिफ्यूजन हो सकता है एक सॉल्यूशन का दूसरे में, तो उसको भी प्रिवेंट करता है कौन, सोल्ट ब्रिज। ओके, और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं क्रिएट होने देता, जिससे सेल का जो पावर है वो ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 मेन फंक्शन है किसके, सोल्ट ब्रिज के। अब आप बाकी सारे तो सही हैं, बाकी सारे क्लियर हैं, लेकिन आप में से किसी को ये पता है क्या कि सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, how salt bridge maintains electrical neutrality? Electrical neutrality in both half cells. बताओ ये आता है क्या किसी को, कैसे salt bridge क्या काम करता है, actual salt bridge कैसे function करता है उसको सुन लो आप अच्छी तरह से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमने एनोडिक चैम्बर बनाया, ये आपकी जिंक रोड है, और ये हमने कैथोडिक चैम्बर बनाया, ये आपकी कॉपर रोड है। ठीक है, ये हमने सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया,
ये लो भाई, ये सोल्ट ब्रिज है और ये सोल्ट ब्रिज हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन्वर्टेड यूट्यूब। यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ पर है CuSO4 का सॉल्यूशन। अब जो छोटी सी स्टोरी है उसको सुनना जरा। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये जो एनोड है उसमें Zn का ऑक्सीडेशन होता है और ये जो रोड है इसका मास डिक्रीज होता है और सॉल्यूशन में Zn+ की Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। सही बात है क्या, बताना जरा, इतना सही है क्या? और yes. दो इलेक्ट्रॉन इस पे रिलीज हो जाते हैं जिंक रोड पे और उधर से वो कनेक्ट होकर के किधर जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं, कैथोड के पास आ जाते हैं, राइट। इतनी बात सही है, ओके। ये तो हुआ आपका किसका प्रोसेस, एनोड का प्रोसेस। अब कैथोड वाले की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, आपके सोल्यूशन में कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, आयन होते हैं Cu2+ और SO4 2-, ठीक है। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं ये जो Cu2+ है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ये बात सही है, इतना आपको समझ में आया, और इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। बताना जरा सर, अभी सर आपने ये वाला बताया सर, ये वाला एक बार वापस बताना। अरे भाई, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है Zn रोड से रिलीज होकर के कॉपर रोड पे आ गए, ठीक है। कॉपर रोड पे आते ही क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन में कॉपर आयन है ना Cu2+, वो क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करते ही उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ कॉपर रोड पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका मास इंक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सॉल्यूशन में Cu2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता चला जाएगा, इधर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रोड से Zn2+ कहाँ आ रहा है, बताना जरा, सॉल्यूशन में आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये तो बैकग्राउंड था, अब मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जैसे ही हमने सेल को स्टार्ट किया तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगी। बात को समझो, कहाँ पर, यहाँ पर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगी। ये देखो, ये रोड है, ये टूट गई, इसका मास डिकम्पोज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ये देखो, Zn2+ ही Zn2+ हो गया इसके चारों तरफ, ठीक है, तो इसमें बढ़ गई ना काफी सारी Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन को उधर नहीं जाने देगी, किधर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना जो आउटर सर्किट से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है, कहाँ पर, अराउंड, इन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा, ZnSO4, इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उधर नहीं जाने देंगे, किधर, कैथोड की तरफ, ऑपोजिट चार्ज है ना, उधर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। अब इसका रिवर्स कैथोड में देखो, कैथोड में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपके Cu2+ तो डिपॉजिट हो जाएंगे, अब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, बताना जरा, सॉल्यूशन में क्या बचा, बताओ, SO4 2- बचा ना। अब इस पे SO4 2- पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं इनको रिपेल करेगा, और थोड़ी देर बाद में ही क्या होगा, यदि सोल्ट ब्रिज नहीं होगी यहाँ पर, ये हम सिचुएशन कब की बात कर रहे हैं, जब सोल्ट ब्रिज नहीं है और हमने इन दोनों चैम्बर्स को वायर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सर्किट तो तब भी कंप्लीट हो जाएगा वायर से कनेक्ट करने पर भी, ओके। तो अब आपको बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होंगे दोनों चैम्बर, यहाँ पर आपके Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो गई एनोड में, जिससे वो दो इलेक्ट्रॉन्स को उधर फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करके रखते हैं, इधर SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यानी कि नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई इस इलेक्ट्रोलाइट में CuSO4 में, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये उनको रिपेल करेंगे, इसलिए थोड़ी देर बाद में ही सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है, और सेल का जो वोल्टेज है वो अचानक से डाउन हो जाएगा। ये सिचुएशन मैंने कब की बात की, जब आपकी सोल्ट ब्रिज नहीं है, आपने सिंपली वायर लिया है दोनों चैम्बर्स में सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही, कैसे, आपका एनोडिक चैम्बर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और आपका कैथोडिक चैम्बर में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी, बताओ जरा। ये आधी हमने बात कर ली है कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है जैसे ही सेल काम करना स्टार्ट करता है। अब सोल्ट ब्रिज क्या करती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है, कैसे कैसे मेंटेन करती है, आपको समझ में आया, एनोड में कौन से चार्ज का एक्सेस हो गया, बताना जरा, एनोड में कौन से आयन का एक्सेस हो गया, Zn2+ का, और कैथोड में कौन से आयन का एक्सेस हो गया, बताना जरा, SO4 2- का। अब देखो सोल्ट ब्रिज क्या करती है, सोल्ट ब्रिज में सपोज हमने सॉल्यूशन लिया K2SO4 का, तो ये K+ है और ये SO4 2- है, ठीक है ना,
अब देखो होगा क्या, जैसे ही इधर Cu2+ डिपोजिट हुआ दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो वैसे ही सोल्ट ब्रिज क्या करेगी, इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया ना, तो K+ को इधर भेज देगी, इसको कहेगी K+ को कहेगी तुम उधर जाओ बोल करके, उधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया किधर, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। बात समझ में आई? जैसे ही K+ सोल्ट ब्रिज में कम हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए Zn2+ अंदर आ जाएगा सोल्ट ब्रिज के। बात को समझो, देखो K+ का मूवमेंट हुआ सोल्ट ब्रिज से कहां पर, कैथोडिक चैम्बर में, और सॉल्यूशन से Zn2+ का कहां पर मूवमेंट हुआ, किसमें, आपके सोल्ट ब्रिज में। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको समझ में आया कि कैसे सोल्ट ब्रिज ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की, ठीक है। दूसरा और ले लो, जैसे ही ये Zn2+ इधर आया, इधर क्रिएट होता है, वैसे ही सोल्ट ब्रिज SO4 2- को भेज देती है इस चैम्बर में, SO4 2- को कहती है तुम उधर जाओ बोल करके, Zn2+ एक्सेस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। तो सोल्ट ब्रिज जहां जो आयन चाहिए उसको वहां पर भेज करके क्या करती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है ना। ये बात हम लोग वापस अगली मिनट मीटिंग में करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस है कि आयन्स के मूवमेंट के थ्रू सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है। कौन सा आयन किधर मूव करता है इसकी बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं, आप लोग फटाफट से रिजॉइन कीजिए।